शेर शेर हेलो वेरी गुड मॉर्निंग नमस्ते, आप देख रहे हैं मुझे ETU पे। एंड कैसे हैं आप लोग सब? बहुत सारी गाड़ियों पे बहुत सारा काम चल रहा है, डेडिकेटेड वीडियोस के व्लॉग्स तो आप देखते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आप लोगों को व्लॉग्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी गाड़ी पे रेगुलर बेसिस पे क्या क्या काम चल रहा है, तो आज हम आपको बे पे दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी पे क्या काम चल रहा है और किस स्टेज पे पहुंची है। आ जाओ। आज हमारे पास अच्छी खासी गाड़ियों का लाइनअप है और गाड़ियों में बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है, तो आपको सारा लाइनअप बताता हूँ कि क्या क्या काम होने वाला है। कल हमारे पास ये गाड़ी आई थी, इस पर थोड़ा सा इंपैक्ट हो गया था बम्पर साइड पे, तो हमने इसका काम लाइक पेंट जॉब का थोड़ा सा ही काम था इस पर कर दिया। तो आज इस पर हमको दो पैनल पर PPF करनी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज इस गाड़ी का सारा काम हम खत्म कर देंगे। एज यू नो, काफी व्लॉग में आपने एक क्रेटा देखी होगी, तो इस गाड़ी का भी काम साथ साथ चल रहा है। कुछ पार्ट्स इसके पेंडिंग है जिसके वजह से डिले हो रखा है, बट हम भी इसको दुल्हन की तरह सजा देंगे। ये हमारे पास कल एक क्रेटा आई है जो कि नया फेसलिफ्ट मॉडल है, ब्लैक कलर में आई है। इसके अंदर हम 10 या 220 माइक्रॉन्स PPF करेंगे। इसका ऑलमोस्ट SRS का वर्क स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारे पास एक ये हाई क्रॉस है, इसमें PPF डन हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। आज इसके मोनोग्राम लोगोज और जो एक्सेसरीज है वो सारी लगानी है ताकि हम इसको 26 को कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। हमारी स्पेशल, हमारी मॉन्स्टर जो कि वाइट कलर में आई थी छत्तीसगढ़ से, वो ब्लैक पूरी पेंट हो चुकी है, बफिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज का टारगेट है इसको आज हम PPF बे में भेज देंगे, आज इसमें PPF स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। एज यू नो, एक बहुत स्पेशल यूट्यूबर की है, तो ये गाड़ी भी हमने ही PPF करी थी। इसका भी सेम जैसे जैगुआर को था, थोड़ा सा बम्पर लग गया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर पेंट जॉब का काम है और बम्पर का और रेयर राइट का, फ्रंट राइट का डोर में PPF करनी है, तो आज इस पर हम काम स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये हमारे स्पेशल कस्टमर है एक लखनऊ से, इनकी हमारे पास ये चौथी गाड़ी है, तो इसमें थोड़े से पेंट जॉब का काम है। अभी तो इसके बम्पर्स खुलवा लिए ताकि बम्पर्स में प्रेपरेशन शुरू कर दे। बाकी इसको हम पूरा डीक्रोम कर रहे हैं, ये पूरी गाड़ी मैट में जाएगी, मैट में और पूरी ब्लैक, मतलब ये धमाल मचाने वाली है गाड़ी, देखते जाना इस गाड़ी को धीरे धीरे। ये एक स्पेशल हमारे पास हैरियर आई है, ये हैरियर पे पूरा मैट PPF करेंगे और डीक्रोम करेंगे। इसके पैनल सारे डेंट पेंट हो चुके हैं, बेस कोट लग चुका है सबके अंदर, आज फाइनल कोट की तैयारी इसकी कर देंगे, तो पेंट जॉब इसमें हो जाएगा। बाकी ये गाड़ी हमारे पास बहुत दूर से आई है, तो इसको हम स्पेशली GR लुक में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये फॉर्चूनर 4x4 है, आप देख सकते हो इसके अलॉय, इसने कस्टमर ने इसमें अलॉय लेजेंडर के लगवा दिए, तो इसके अलॉय सब कुछ हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिए थे क्योंकि हमने किट मंगा ली थी। अगला पिछला बम्पर इसका पेंट हो चुका है, हेडलाइट टेललाइट सब कुछ सामान आ चुका है, आज इसकी सारी फिटिंग खोलनी है ताकि जितने भी इसके हार्ड प्लास्टिक है उसको हम प्यानो ब्लैक में पेंट कर सकें। XUV700 PPF डन, मनोज भैया लगे हुए हैं फिटिंग करने में। ये GLE हमारे पास फरीदाबाद से आई है, ये भी बहुत हमारे स्पेशल कस्टमर की गाड़ी है, आपने देखा होगा इसके हमने कैलिपर ब्लू है और अलॉय व्हील्स गन मेटल ग्रे है जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ वर्क, वो दिख रही है। तो अभी तक तो ये है, अभी तीन गाड़ियां और आ रही है हमारे पास, जिसमें से दो एज यू नो फॉर्च्यूनर ऑल टाइम फेवरेट और एक X5 भी आएगी। PPF करेंगे हम लोग एक नंबर वाली PPF इस पे करेंगे हम, 50 साल वाली PPF, 10 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं, 50 साल। और एक्चुअली में इसमें इस क्रेटा का सामान आया है हुंडई से।
अपने पास ना काम काफी ज्यादा लोड बढ़ गया है। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 18 से 20 गाड़ी खड़ी है स्टोर पे, जिसमें से 6-7 गाड़ी पेंट की है। मतलब मैक्सिमम किसी में 2 पैनल, किसी में 2 बम्पर, ऐसे ऐसे है पेंट का, डेंट पेंट का काम है। और उसके बाद भी कम से कम 5 से 6 गाड़ियां ऐसी है जो बुकिंग हो रखी है, इवन जून के फर्स्ट वीक तक की भी। तो लोड ज्यादा है, तो हमने क्या डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि हम पेंट की टीम को, डेंट पेंट की टीम को 2 दिन हम ओवरटाइम करेंगे, यानी आज की रात और कल की रात, ताकि हम थोड़ा जो स्पीड है ना वो मैच कर सके। क्योंकि पीपीएफ जितनी जल्दी यहाँ से गाड़ी फ्री होगी उतनी जल्दी हम एसआरएस के प्रोसेस पे जा पाएंगे, और उसके बाद हम फिर उतनी ही जल्दी उसको पीपीएफ के बे पे लेके आएंगे। तो आज और कल के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी अपने को। आपकी गाड़ी की एक्चुअली ना हमारे पास 3-3 मर्सिडीज खड़ी है, तो हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कौन सी वाली की कौन सी है। एक भी नहीं आती किसी के पास, हमारे पास 3-3 आती है। और इनकी ये तीसरी गाड़ी है ना शायद? तीसरी गाड़ी है। अलॉय कैसे लग रहे हैं आपको भाई? ये मेटेलिक वाले अलॉय कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये गन मेटल ग्रे हमने इसमें पेंट किया है, और इसके कैलिपर देखो, कैलिपर हमने ब्लू किया है। इसका पिछला बम्पर हमने पेंट किया, आपको पता है इसका पिछला बम्पर जहाँ से पहले सर ने पेंट कराया था ना, आपको तो नहीं पता होगा, इसमें ना काफ़ी जगह ना दाने दाने थे, मतलब खासकर इस कॉर्नर पे दाने 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 थे। तो वो चीज़ हमने अभी जब हमने किया तो हमने आरसी से ही वो भी हो गया। हाँ हाँ, उसी की वजह से जब हमने आपने रीपेंट कराया था वहाँ से, जब हमने निकाला ना तो उसकी वजह से वो पेंट उसके साथ निकल गया, तो अभी हमें फिर दोबारा पेंट करना पड़ गया उसे। क्यों रितेश, कल वाली वही है ना जीआर स्पोर्ट जो बनने वाली है गाड़ी? हाँ, ये जीआर स्पोर्ट में कन्वर्ट हो रही है। हमारे साहब को कल ससुराल में ठप्पा मारने जाना है। कैसा कह रहा है, ससुराल में भी जाना है ठप्पा मारने भाई? बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग नहीं, नहीं सुनो, इसने ना कल कोटिंग कर रहा था आगे फ्रंट सीट पे, तो कह रहा क्या बोला, ये बोला कि वो लोलोल दे दो, लोलोल पता नहीं क्या से कुछ बोला कि कोटिंग दे दो लोलोल वाली। लोलोल वाली कौन सी कोटिंग है? रीलोड। अच्छा, रीलोड। ये पीपीएफ कैसी निकल रही है? अरे इसमें ना काफी सारे फ्लॉज थे ना, इसके एजेस वगैरह से काफी बहुत बेकार कटिंग हुई है, तो अभी क्लाइंट ने कहा यहाँ से तो आधी कटिंग हुई है, पूरा दरवाजे, ये दरवाजे पे ना पूरी पीपीएफ ही नहीं हुई है। अच्छा, नीचे की नहीं है इन्होंने, जबकि हम लोग करते हैं ना पूरे पैनल पे। हाँ, ये पूरा अभी जैसे हम रिमूव कर रहे हैं, तो हमने ये क्लैडिंग्स रिमूव करी, हम इसको ब्लैक में पेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम पूरे पे पीपीएफ करेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो क्लैडिंग है वो फिक्स करेंगे। और यहाँ भी यहाँ ऊपर तक कटिंग है बस। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से इन्होंने यहीं तक पीपीएफ की थी, इसके ऊपर छोड़ दिया, जबकि हम लोग पीपीएफ करते हैं तो पूरा पूरा डोर प्रॉपर नीचे तक इसमें पीपीएफ एप्लीकेशन करते हैं। और दूसरी चीज इसका ये देखो, एडहेसिव देख कितना गंदा निकल गया है भाई। एडहेसिव अभी भी चिपचिपा है, बहुत ज्यादा चिपचिपा है भाई, पूरा ऐसे छूट रहा है ये। अभी इसमें पता है हमें बहुत दिक्कत आने वाली है क्लीन करने में ना भाई। ये देखो हमारे यहाँ बंदा, ये देखो पुड़िया खा रहा है, ये सामने देख लो आप, ये हाथ में इसके क्या है, क्या है? चीनी भाई, ये चीनी है, चीनी किससे क्या होता भाई? ये देखो हाथ में दिख रहा है मसाला भाई, ये बंदा सुधरता नहीं, इतना मना किया गया है इसको, नहीं गलत चीज है, ये गलत चीज है, गलत चीज कभी नहीं करनी चाहिए। देखो भाई बोल रहा है तो मना थोड़ी ना करो। एक पैकेट किराया है, मुंह पे देखो। आ सर, आ ये सारे जितने अंदर देख रहे हो, सारे के सारे मुकेश हैं। मुकेश, हाँ, ये सबसे सही है भैया, आराम से भाई, पीपीएफ के चक्कर में जान नहीं देनी है, आराम से उतारो उसे। ये सबसे स्मार्ट बॉय है हमारे ऑफिस का, सबसे, और ये सबसे जवान लड़के हमारे यहाँ के। कुछ बोलना चाहोगे आप? इतने गोरे कैसे हो आप? बड़े होकर क्या बनोगे आप? भाई पापा बना लियो। पापा बहुत है, कह रहे मेरे पापा बहुत हैं। इसको फेमस कर देगा भाई, तुम्हें लगता है वायरल हो जाएगा। तुमने बोला कि मेरे पापा तो बहुत हैं। मैम, एस्टन और मार्टिन की अपडेट लेने आए हम। अच्छा, ये तो फिर ये नीचे क्यों है? अच्छा, इसकी ट्रेनिंग हो गई, आपकी ट्रेनिंग हो गई अच्छे से? आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई?
वही कह रहा है तू, डोंट टच मी कह रहा है ना। चलो हम जाते हैं SRS बे पे और वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। भाई ये इस रूम में हमने कभी नहीं दिखाया इतने दिनों से इसको ना, ब्लॉग में आप भूल गए होंगे इसको। ये गंदा हो रहा है। कट कट। यहाँ हमारी मर्सिडीज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मर्सिडीज, जैगुआर, एंडेवर, टोयोटा सबसे भरा हुआ है खचाखच। यहाँ एक मर्सिडीज ये रही, एक वो रही, दोनों पे PPF होना है। एक पे हो गया, एक पे होना है। ये जैगुआर पे PPF हो चुका है। एंडेवर हमने फुल्ली रिस्टोर कर दिया है, मतलब स्क्रैप से उसको इतना तगड़ा लुक दिया है। जब वो रेडी होके तुम आने वाले व्लॉग्स में देखोगे ना, तो तुम मतलब उसके लिए ना कुछ ज़रूर अच्छा सा कमेंट चाहिए होगा मुझे। बाकी जब हम आपको इसको करके देंगे ना, तब आपको डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंसेस सर, जो पहले आई थी कार, तो पहली बात शाइनिंग नहीं थी, अब शाइन ज़्यादा कर रही है और पेंट प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छी है। रेड कारपेट सर ऑप्शंस बहुत सारे थे गुड़गांव में, पर मेरे को डिटेलिंग मतलब मैंने सर्च भी करा बहुत सब, तो मेरे को बेस्ट यही ऑप्शन लगा। शेर मेरे डालना है, डालना है। हमने कर दी है दो कार्स की डिलीवरी, अब हम थर्ड कार की डिलीवरी करने जा रहे हैं, जो कि है ये GLE। इसके बाद एक और GLE है जिसकी डिलीवरी होगी आई गेस हाफ एन आवर या 45 मिनट में, वो भी क्लाइंट आ जाएंगे। तो पहले इसकी डिलीवरी करते हैं, इन क्लाइंट से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको गाड़ी का काम देखिए। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, बताओ भैया। बढ़िया, कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी। एक्सपीरियंस कैसा है सर गाड़ी को देखने के बाद का, कि मतलब पहले जो दी थी आपने मुझे और जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ वो कैसी लग रही है? शाइन थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, ब्राइट हो गई गाड़ी। ओके। और मतलब कि एक ऐसा होता है ना कि ग्लो, कोई चीज़ ग्लो कर रही हो, लाइक दैट। मेरी गाड़ी है GLE 300D, तो मैं डिटेलिंग लेवल्स पर लाया है रेड कारपेट पे गुड़गांव पे फॉर PPF एंड This was my first and last stop, so I had a very good interaction with Vikas sir. उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी चीज़ें मेरे को like as a mentor समझाई कि ये होता है PPF में, this is good and this is bad. So फिर मैंने after 1 to 2 days मैंने अपनी गाड़ी दिया for PPF and the shine is fantastic, the finish is fantastic, I liked it. So thank you Detailing Devils Red Carpet team for doing this. Thank you. आई होप आपको ये हमारा रेगुलर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों और रोज़ एक नई गाड़ी पे काम देखना अच्छा लग रहा हो। और अगर आपके और आपके जान पहचान में किसी को अपनी गाड़ी में PPF कराना है, पेंट करेक्शन कराना है या फिर कोटिंग करानी है, तो प्लीज़ कनेक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है एंड स्क्रीन पे भी हमारा नंबर है, आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्लीज़ हमें अपने सजेशंस देते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।